हम चाहेंगे कि कुछ लेटर एप्लीकेशन आपको बता दें जो केवल पढ़ो, उसके अलावा कुछ पढ़ने नहीं है। पक्का तैयार हो? सुनोगे? हाँ बेटा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। देखो बेटा, एप्लीकेशन लिखना बहुत ही सरल है, ठीक है? बस केवल आपको दिमाग में रखना है कि क्या क्या बातें उसमें प्रस्तुत करनी है, ठीक है? हमने एप्लीकेशन लिखाया अपने विद्यार्थियों को, उसमें से दो विद्यार्थियों की कॉपी आपके सामने है, ये देखो, और इसको मैंने चेक भी किया है, ठीक है? तो इसमें क्या कमी है, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि नंबर क्यों कटता है, ठीक है? और आप कैसे लिखोगे कि पूरे के पूरे नंबर आ जाएं। भाई पाठक पढ़ाए 37 साल पढ़ा रहे हैं बेटा, इसीलिए फेमस हैं कि पाठक के पढ़ाए शिष्य जो है अंग्रेजी में 98 नंबर पाते हैं, मैथ में तो 75 रह जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में 98 पहुंच पाते हैं। उसका कारण यह है कि आर्ट है एक, ठीक है? नंबर पाना एक क्या है, कला है, ठीक है? तो वही हम आपको सिखाने जा रहे हैं बेटा, ठीक है? एक एप्लीकेशन आपके यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू ए लीव फॉर 2 डेज एज यू आर इल, बीमार हो उस पर आपको 2 दिन की एप्लीकेशन लिखनी। लड़के ने लिखा बेटा ना बेटा, अब उसको कैसे वह प्रस्तुत करे ये हम आपको बता रहे हैं बेटा। पहली बात देखिए, यहां पर लड़के ने लिखा, दो लड़कों ने लिखा, एक ने लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट हिम ग्रांट यू ए फुल फी कंसेशन, ठीक है? दो एप्लीकेशन की कॉपी यहां पर सामने है, अब इसमें क्या कमी है ये हम सिखाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? तभी जा करके आप बोर्ड परीक्षा में स्कोर कर पाओगे, ठीक है? एक एक क्वेश्चन पैराग्राफ वाला भी सब कुछ हम बताएंगे आपको, कैसे लिखा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, कैसे लिखा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, कैसे लिखा जाएगा, ये सब हम वीडियो में धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो आज पहला पॉइंट लिया है क्या, एप्लीकेशन लिखना, ठीक है? शुरू करें, हाईलाइट करिए, सबसे पहले कॉपी के बीचों बीच इस भाग पर आंसर नंबर 2 लिखना है, जो भी है आपका आंसर नंबर है, अब हमको मालूम नहीं है। अब देखो ये बड़ा ब्रेकेट है बेटा, बड़ा ब्रेकेट में इस लड़के ने दिया लेटर, जबकि लिखा है लड़के ने एप्लीकेशन। तो पहला पॉइंट ये है कि यहां लेटर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है? पहला पॉइंट ये, ठीक है? अब ये जो हाशिया खींचते हो ये देख रहे हो ना, इसी के तुरंत बाद सट करके लगना चाहिए बेटा। तो देखिए इन्होंने क्या गलती की, एक लाइन इतना जगह छोड़ दिया, ये नहीं छोड़ना है, बिल्कुल सटीक। सबसे पहले ये पोर्शन कौन जो चिट्ठी लिख रहा है उसका एड्रेस क्या है, यहाँ लिखना है बेटा। जो चिट्ठी लिख रहा है यानी जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले यहाँ लिखना है, फिर उसके नीचे आप लिखेंगे डेट। डेट लिखने की स्टाइल देख लो बेटा, 20 फरवरी, 2023, फुल स्टॉप, ठीक है? अब ये बिल्कुल सेट करके यहां पे आना चाहिए बेटा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल के पास चिट्ठी लिख रहे हो तो प्रिंसिपल सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज कामा साकेत नगर कामा साकेत नगर, जो आपने यहां लिखा ये नहीं होना, सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज साकेत नगर यहां होना चाहिए बेटा। फिर यहां पर कानपुर लिखो और कानपुर कामा फिर 6-0, ये जो 6-0 देख रहे हो ये पिन कोड होता है बेटा। क्या होता है, पिन कोड, यानी कि पिन कोड आपको याद हो तब भी नहीं लिखना है, 6-0 केवल आपको लगा देना है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहां पर लड़का लिखना क्या चाहता है। तो देखो ये सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज ये लिखना चाहिए साकेत नगर, यहां पर लड़के ने यहां लिख दिया, गलती कर दिया।
फिर उसके नीचे कानपुर, जबकि मैटर और सबसे ही लिखा, मैटर लिखा, अब याद तो हो गया ना, यानी किसने चिट्ठी भेजी, किस तारीख को लिखी, किसके पास जा रही है, ये पॉइंट समझ गया ना। फिर उसके बाद लेटर ऑफ बॉडी होता, सरल भाषा में अपनी बात को कह दो, यही कला होता, ठीक है। तो अरे प्रिंसिपल साहब हैं तो सर जी होंगे, तो रेस्पेक्टेड सर कामा, अब ये कामा के नीचे से आप लिखेंगे, आई कामा बीइंग ए स्कॉलर इन योर काइंड कंट्रोल कामा वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, द रिजल्ट इज दैट आई एम नॉट इन पोजिशन टू कम टू स्कूल। हो गया बात अपनी कह दिया। अब इसके बाद इसलिए, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ए लीव फॉर टू डेज एज द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी फॉर टेकिंग बेड रेस्ट। ठीक है, तो ये लड़के ने लिखा तो सही, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन ये जोरदार नहीं हुआ, परिणाम यह है कि अच्छा दूसरी चीज और बेटा कि अब यहां पर कुछ लोग लिखते हैं थैंकिंग, ये सब नहीं, केवल थैंक्स कामा योर्स ओबीडियंटली, चूंकि शिष्य है तो योर्स ओबीडियंटली कामा, लड़का लिखाया जाता है बेटा एक्स वाई जेड, आज से लिखना पाठक जो बता रहे हैं उसको लिखना, ए ट्रू पपिल एक सच्चा शिष्य, तो इसका प्रभाव कुछ अलग पड़ेगा, यानी कि जो एग्जामिनर के दिल को जीत लो, जो कॉपी जांच रहा है उसके दिल को कैसे जीतोगे, कुछ अलग करना पड़ेगा आपको। जब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे, किताब की भाषा लिखोगे, तो फिर वो प्रभावकारी नहीं होगा। प्रभाव तब पड़ता है जब आप अपनी बात को कुछ अलग अंदाज में पेश करें, ना ना जो सदियों से चला रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं, कुछ बदलाव लेकर के लिए, ठीक है। इस प्रकार से तो इनको केवल 7.5 नंबर दिया गया था, जबकि इन्होंने पूरी बात सही लिखी है। अब हम दूसरी कॉपी चलते हैं, आइए देखो बेटा इस लड़के ने क्या गलती की, इस लड़के ने अच्छा लिखा है, सही लिखा है, जैसे इन्होंने सही लिखा है इन्होंने भी सही लिखा, लेकिन गलती कहां, देखिए आंसर नंबर 2 एप्लीकेशन टांग दिया बिल्कुल ऊपर, नहीं यह पॉइंट बिल्कुल यहां पर आना चाहिए बेटा, यहां पर, ठीक है। और देखो हमने कहा ये बड़ा ब्रेकेट होना चाहिए, लड़के ने लगा दिया मझला ब्रेकेट नहीं, ये बड़ा ब्रेकेट होना चाहिए, ठीक है। और आंसर नंबर 2 को ही अंडरलाइन करना, एप्लीकेशन को अंडरलाइन न करना, मेरी बात सुनो ना। अब यहां पर जब लिखोगे ज्यादा फोकस आएगा ना बेटा। फिर देखो इन्होंने भी अपना पहले एड्रेस लिखा, देखो भेजने वाले का एड्रेस देखो लिखा है, फिर उसके बाद ये डेट लिखी है, देख रहे हो ना डेट, ये भी सही है। फिर किसके पास चिट्ठी जा रही है, इसने बिल्कुल सही लिखा बेटा, द प्रिंसिपल कामा सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज कामा साकेत नगर कानपुर कामा 60 प्रिस्टाफ, ये 60 क्या है आपको बता दिया ना, आप लगाया इसने, इसने चिट्ठी किस पर लिखी बेटा, हाँ इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मेरे फुल फी कंसेशन के लिए, ठीक है। तो अब लैंग्वेज कैसे देखो, देखो रेस्पेक्टेड सर कामा आई कामा बीइंग ए स्कॉलर इन योर काइंड कंट्रोल कामा वुड लाइक टू बैक टू से दैट माई फादर इज सिंपली ए क्लर्क इन ए प्राइवेट कंपनी, माई फादर इज सिंपली ए क्लर्क इन ए प्राइवेट कंपनी, हिज मंथली इनकम इज ₹6,000 मंथली, आजकल 6,000 क्या है, और परिवार लंबा है, लिखा देयर आर 7 मेंबर्स इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, 5 ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, उनमें से 5 जो है क्या है विद्यार्थी हैं, देखो स्टूडेंट लिखा इन्होंने, स्टूडेंट्स होना चाहिए ना बेटा, 5 तो विद्यार्थी हैं, अरे मम्मी पापा 5 लड़के, परिणाम द रिजल्ट इज दैट ही इज नॉट इन पोजिशन टू पे, इन पे नहीं होगा टू पे माई फी, लास्ट ईयर आई गॉट द फर्स्ट पोजिशन इन माई क्लास एंड एंजॉयड फुल फीसिप, ठीक, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसर्न दिस ईयर आल्सो, ये योर थैंक्स। अब देखो ये गलती इन्होंने क्या की, ये जो थैंक्स योर्स ओबीडियंटली ए टू पे लिखा है, ये इसी के बिल्कुल नीचे बिल्कुल आना चाहिए बेटा, बिल्कुल नीचे, गलती किया ना, तो ये सब कमी जो है छोटी छोटी गलतियां हैं बेटा जो एग्जामिनर चेक करता है,
हमारे पास हो ना, तो उसको जो है आपको रिमूव करना। तो इनको 10 में 10 मिलते, लेकिन इनको कितना मिला? 9 मिला। बहरहाल इन्होंने उनकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छा लिखा है और इनकी राइटिंग भी थोड़ा साफ सुथरी है, तो एग्जामिनर प्रभावित होगा, पक्का है कि नंबर इनको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि आंसर नंबर 2 यहाँ पर लिखना है, एप्लीकेशन पता डेट प्रिंसिपल साहब के पास एप्लीकेशन लिखनी है, रेस्पेक्टेड सर ये लेटर की बॉडी है, फिर उसके बाद ये मैं चाहता हूँ और ये जो है, लेकिन लिखने का तरीका देखो, थैंक्स यहाँ से आना चाहिए, योर्स ओबीडियंटली यहाँ से आना चाहिए, ए टू पपिल यहाँ से, पपिल की स्पेलिंग गलत लिखी है, PUPILE, ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारा। तो अब ये देखो नंबर हम काट करके 8 कर रहे हैं, अब क्या करें? पपिल पीपल थोड़े होगा, पपिल है बेटा, पपिल माने होता है पीपल, माने तो लोग हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी गलती, एक चीज़ बताएं बेटा, इतनी मानोटी कोई देखेगा नहीं। अच्छा, लड़का कहता है कि लिखते लिखते मान लो एप्लीकेशन दूसरे पेज की यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक 2 लाइन यहाँ पर लग गई, नहीं बेटा ऐसा माइंड मेकअप करो कि एक पेज में जैसे इस लड़के ने प्रेजेंट किया है, इस लड़के ने जैसे प्रेजेंट किया, एक ही पेज पे पूरा आ गया, ये होना चाहिए बेटा। लिखते लिखते दूसरे पेज पे क्यों जाए? ऐसा प्रस्तुत करो कि लड़का कहता ना कि गुरुजी यहां एक पेज पर लिखते लिखते प्रश्न दूसरे पेज के 2 लाइन पे आ गया, इसका मतलब ये आपके अंदर कला नहीं है, आप अपने आप को कंट्रोल, ऐसा माइंड मेकअप करो कि वह एक पेज पर ही एप्लीकेशन आ जाए, और अगर दूसरे पेज पे आ रहा है तो फिर देखो एप्लीकेशन तो बेटा साफ साफ बता दे एक पेज पर है, मान लो लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह लिख रहे हो तो उसको हम बताएंगे अभी आपको, कि ऐसा सेट करो कि या तो सवा पेज जाए या तो फिर एक पेज पे खत्म हो। ठीक है, ये माइंड मेकअप होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को कितनी दूर में लिख पाएंगे बोर्ड परीक्षा में, हमारी बात सुनो ना, तो जा करके उससे स्कोर ज़्यादा होता है। यानी एक लाइन छूट गई तो एक लाइन लिख, एक लाइन आ गई और बाकी पेज हम कैसे छोड़ दें, वो एग्जामिनर नाराज हो जाएगा पन्ना भरा है, ऐसा नहीं बेटा। आप उसको इस पैटर्न पर लिखें कि एक पेज उसी पहले वाले पेज पर ही एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ तक एप्लीकेशन आनी नहीं चाहिए, एक पेज पर ही जैसे इस लड़के ने लिखा है बेटा इस प्रकार से प्रस्तुत करना। एग्जामिनर जो है उसको इग्नोर करेगा बेटा कि लड़का पपिल लिखना चाहता है, मान लो स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, वो एग्जामिनर समझ जाएगा, लेकिन आप गलती अपनी तरफ से न करें, हमारी सलाह ये है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया किसके बारे में बेटा, एप्लीकेशन बारे में। अब हम चाहेंगे कि कुछ लेटर एप्लीकेशन आपको बता दें जो केवल पढ़ो, उसके अलावा कुछ पढ़ने नहीं। पक्का तैयार हो, सुनोगे? तो 6 एप्लीकेशन और लेटर, 4 एप्लीकेशन और 2 लेटर तैयार कर लो, जिस पक्का आएगा 100% आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं, पक्का बताएं है? हाँ बेटा, तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनना, इतना जरूर तैयार कर लेना आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, पक्का बताएं? तो 4 एप्लीकेशन और 2 लेटर पक्का याद रखना बेटा। नंबर 1, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू ए लीव फॉर 5 डेज एज यू आर इल, 1। दूसरा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू ए फुल फी कंसेशन, 2। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, टू ग्रांट यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट, 4। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू चेंज योर सब्जेक्ट, 4। ये एप्लीकेशन पक्का याद कर लेना, साफ साफ बता दे रहे हैं, और भूले भटके 2 लेटर याद कर लेना, वह क्या है? नंबर 1, राइट ए लेटर
to your friend, requesting him to attend your sister's marriage. Letter. Or write a letter to your father demanding rupees 600 extra as to pay pre-board examination fee and buy some necessary books. ये छह लेटर यानी कि छह हैं बेटा, चार एप्लीकेशन हैं, दो लेटर हैं। इन दोनों को खूब अच्छे ढंग से पढ़ लेना, बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा पक्का। थैंक यू बेटा।